যা দেখছি কোনো ये देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ यहाँ पर टमाटर लगा के रखे थे, इतना बड़ा बड़ा हो गया है और कुछ इतना साइज का भी हो गया है। एक ठू तो कच्चा था, वो गिर गया था, उसको भी चुन लिए। इसका खेती हम लोग कैसे किए, ये जो हम लोग टमाटर लेकर के आते हैं वो ख़राब हो गया था, उसको हम लोग फेंक दिए थे इधर ही साइड में और अपने से पौधा उग गया था, उसी को हम लोग इसमें लगा दिए और अभी ढेर सारा टमाटर हो गया है। ये देख सकते हैं, ये चारों तरफ हम लोग टमाटर लगा दिए हैं, थोड़ा बहुत पका हुआ था जिसको हमने तोड़ लिया है और यहाँ ढेर सारा अभी कच्चा है। ये यहाँ पर है और आगे भी है, ये यहाँ पर थोड़ा सा पकने लगा है और इधर कच्चा है अभी, और उस तरफ भी देख सकते हैं ये यहाँ पर अभी कच्चा है। इस टमाटर का खेती हम लोग कैसे किए थे दोस्तों, जानते हैं? हम लोग जो खरीद करके लाते हैं और जितना अच्छा वाला होता है खाते हैं, और ख़राब वाला हम लोग फेंक दिए थे, उसी में से बहुत सारा पौधा निकला और उसी को लगा दिए, तो आज हम लोग का इतना सारा टमाटर का फल होने लगा है। अब हम लोग कुछ दिन तक तो बाज़ार से खरीदेंगे नहीं, इसी को एक दो ठू जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे तोड़ करके बना करके खाएंगे। अभी इतना सारा पका हुआ था, इसको अभी हम लोग तोड़ लिए हैं। और यहाँ पर प्याज साग हमने कल बाज़ार से ले आया था, और ये तो हरा पत्तेदार साग है, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। थोड़ा सा अभी हम चाय पी ले रहे हैं, उसके बाद काटेंगे और बनाएंगे। प्याज साग को आधा बनाएंगे और ये येलो साग तो पूरा बना देंगे, आधा प्याज साग शाम को बनाएंगे। इसको थोड़ा सा धो देते हैं क्योंकि इसमें बालू वगैरह लगा है। इसको धो करके साफ कर दिए हैं, इसमें से एक ही टुक कटेंगे, काफी है, इतना बड़ा बड़ा हो गया है, सोचा ही नहीं था। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया है। हरा साग को धोने के लिए ले गया चापाकल में, तब तक ये कल जो प्याज साग लाए थे उसी का ये प्याज है, इसी का हम लोग अभी छौंका लगाएंगे और इसको काट देते हैं। हर ये मिर्चा को भी काट देते हैं हरा साग में मिलाने के लिए। ये दोठू अभी हम काटेंगे प्याज साग और हरा साग में मिलाने के लिए। ये बड़ा वाला तो अभी नहीं काटेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक से पका नहीं है, दो रोज घर में रहेगा पक जाएगा। ये प्याज साग को पानी में डाल दिए हैं और यहाँ दोठू टमाटर काट दिए हैं, और ये प्याज साग का जो प्याज था उसी को काट दिए और थोड़ा सा मिर्चा काट दिए हैं, और ये टमाटर को रख देते हैं अभी घर में। दो ठू साग भाजी बनाने के लिए दो ठू कढ़ाई ले लिए हैं, एक ठू चढ़ा देते हैं क्योंकि दोनों को अलग अलग बनाना होगा ना, एक में प्याज साग और एक में हरा साग। हरा साग को धो करके लाया है, इधर रख दिया है, ये यहाँ पर रख देते हैं हरा साग को क्योंकि इसमें अभी पानी है ना। पहले हरा साग को बनाएंगे, ये थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं, और इसमें हम लोग मिर्चा और प्याज का ही छौंका लगाएंगे, और प्याज साग में तो केवल मिर्चा का छौंका लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी प्याज है ना, इसलिए उसमें प्याज का छौंका लगाने का दरकार नहीं है। इसमें ढेर सारा हम लोग इसी प्याज साग का, हम लोग जो इतना बड़ा बड़ा हो गया था प्याज, उसी को काट दिए हैं और उसी को छौंका लगा देते हैं। ये हरा साग के लिए
सब डाल देते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। प्याज और मिर्चा का ठोका लगा करके हरा साग बना देते हैं। अभी ठीक से जलने लगा है, मोटा वाला लकड़ी डाल दिए हैं, थोड़ा धुआं होता ही है। ये नीम का लकड़ी है, ऐसे भी नीम का धुआं खाने से फायदा ही होता है। ये हरा वाला पत्तेदार साग है, ये दिखने में अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन पक जाएगा तो इतना थोड़ा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, डालते समय बहुत ज़्यादा लग रहा था, अभी धीरे धीरे गर्म होकर के पक रहा है तो थोड़ा से घटने लग गया है, इसलिए अभी हम लोग नमक नहीं डालेंगे। ये हरा साग भाजी खूब मस्त बन गया है, और ये प्याज साग भी अभी हम लोग बना रहे हैं। हरा साग भाजी तो तैयार हो गया, और ये प्याज साग भाजी भी अभी हम लोग का तैयार हो रहा है। नमक डाल दिए थे और ये टमाटर भी डाल दिए, और आज मौसम भी पूरा साफ है लेकिन ऊपर थोड़ा थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद बादल छाया हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों, धूप पूरी तरह से निकल आया है और ऊपर थोड़ा थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद बादल छाया हुआ है। ये नहाने जाने का तैयारी कर लिए हैं। थोड़ा सा लकड़ी घट गया था, आज थोड़ा देर में पक जाएगा, उसके बाद नहाने जाएंगे। ये थोड़ा सा फूंक लगाना पड़ता है ना। जल गया है, और अभी प्याज साग का भाजी भी तैयार हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, प्याज साग भाजी भी लगभग तैयार हो चुका है। प्याज साग भाजी भी तैयार हो चुका है, अभी हम लोग इसको उतार देते हैं और हम भी नहाने जाएंगे। नहाने का तैयारी कर लिए हैं, इसको सब अंदर कर देते हैं रूम के अंदर। चलो ये अभी हम नहाने जा रहे हैं। आज हम लोग का दो साग भाजी बनाए, एक प्याज साग भाजी और एक हरा साग भाजी। दोनों को खा करके देखते हैं कौन वाला ज्यादा टेस्ट लगता है। ये प्याज साग भाजी है और ये हरा साग भाजी, दोनों बहुत मस्त लग रहा है। और हम लोग तो ज्यादातर दिन का भोजन माण भात ही खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।